नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज़। SPN9 न्यूज़ में आपका स्वागत है। सुबह की बड़ी खबर आपको बता दें, महिला पहलवानों के यौन शोषण केस में सोमवार को यानी कि आज दिल्ली की राउत्स एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होनी है। महिला पहलवानों ने भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बीजेपी सांसद बृजभूषण सिंह पर यह केस दर्ज कराया है। कोर्ट में बृजभूषण पर दिल्ली पुलिस की चार्जशीट के आधार पर चार्ज फ्रेम करने को लेकर बहस हो रही है। इसी बीच आपको बताते चले कि 7 अक्टूबर को चार्ज फ्रेम करने को लेकर चल रही सुनवाई में दिल्ली की राउत्स एवेन्यू कोर्ट में पहुंचे पूर्व WFI अध्यक्ष और सांसद बृजभूषण शरण सिंह का फाइल यहाँ पर देखा जा रहा है। आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले महिला पहलवानों ने यौन शोषण केस को लेकर बृजभूषण, जो कि यहाँ बीजेपी के एक नेता भी हैं, उन पर आरोप लगाए थे। महिला पहलवानों के यौन शोषण केस में आज सुनवाई होनी है। कोर्ट में बृजभूषण पर चार्ज फ्रेम करने को लेकर तीखी बहस हुई। उनके वकील विरोध में यहाँ पर दलील देते नजर आने वाले हैं। आपको बता दें कि बृजभूषण पर आरोपों का भंडार लगा हुआ यहाँ पर नजर आया था। कुश्ती में यहाँ महिला पहलवानों की तरफ से तमाम आरोप लगते नजर आए थे। अब यहाँ ये देखना है कि आखिरकार जो कोर्ट है वो फैसला बृजभूषण के खिलाफ सुनाती है या फिर बृजभूषण के हित में यहाँ पर सुनाती नजर आती है। क्योंकि आपको बता दें कि कुछ दिन पहले बृजभूषण ने देवरिया कांड को लेकर एक बयान दिया था, जिसमें वो बुलडोजर पर बरसते नजर आए थे। क्या बुलडोजर पर बरसना यहाँ पर बृजभूषण सिंह को भारी पड़ता नजर आ सकता है? क्या यहाँ पर सत्ता के खिलाफ जाना बृजभूषण सिंह को भारी पड़ सकता है या नहीं, ये आज देखना होगा और इसका फैसला भी जल्द ही आने वाला है। फिलहाल के लिए तो नहीं, फिर आपसे मुलाकात होगी किसी दूसरे मुद्दे पर। तब तक के लिए देखते रहिएगा SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।